यस बेटा बेटा, आज हम काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ पाठ उसके कुछ प्रश्न अभ्यास करते हैं। और इससे पहले की कक्षाओं में हमने काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक धर्मवीर भारती और पाठ का सार तथा अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न किए। आज कुछ हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस प्रकार से किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले समझिए कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम क्यों दिया? लोगों ने मेंढक मंडली और जो बच्चे थे वो अपने आप को इंद्रसेना कहते थे, ऐसा क्यों? क्योंकि गांव के जो कुछ लोग थे वो इन नंग धड़ंग शरीर वाले बच्चों को देखकर इनके शोर शराबे के कारण गली में होने वाले कीचड़ से उनको गांव के लोगों को चिढ़ थी और इसे वो अंधविश्वास मान रहे थे। इसी कारण इन लड़कों की टोली को गांव के लोग मेंढक मंडली कहते थे, मेंढक की तरह उछलते थे। और ये टोली खुद को स्वयं को इंद्रसेना कहकर बुलाती थी। ये बच्चे क्या करते थे, इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की पुकार लगाते थे, गुहार लगाते थे। अब बच्चों का मानना था कि वो इंद्र की सेना के सैनिक हैं और उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरस कर सबको पानी दे दे। नेक्स्ट है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया? जीजी ने कहा, जीजी ने इसके लिए कुछ तर्क दिए कि किसी को कुछ देने से, कुछ ही को कुछ देने से या हमें किसी से कुछ पाने के लिए कुछ चढ़ावा देना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। पहले इंद्र को पानी का अर्घ्य चढ़ाने से ही वर्षा के जरिए वो हमें पानी देंगे। उन्होंने और तर्क दिया कि त्याग भावना से दिया गया दान ही क्या होता है, दान का ही परिणाम मिलता है, वो ही दान लगता है, वो ही दान फलदायक होता है। जिस वस्तु की अधिक जरूरत है उसे दान से ही, उसे दान में देने से ही वो वस्तु प्राप्त होती है, वो वस्तु मिलती है। पानी की भी यहाँ पर यही स्थिति है, यही दशा है। जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छा गेहूं खेतों में बोता है, किसके लिए? 40-50 मन गेहूं पाने के लिए, अच्छा गेहूं पाने के लिए। उसी तरह पानी की बुवाई से क्या होगा, बादलों की फसल अच्छी होगी और सबको पानी मिल पाएगा। नेक्स्ट बेटा, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़धानी, गुड़ और अनाज से बना हुआ मिश्रण होता है। गुड़ और अनाज से बने हुए खाद्य पदार्थ को, जो खाने के योग्य पदार्थ होता है, उसे गुड़धानी कहा गया है। बच्चे बादलों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि पानी से तो सिर्फ प्यास बुझती है बेटा, और साथ ही अच्छी वर्षा से क्या होता है कि गन्ना धान हमारे जो चावल गेहूं वगैरह वो अच्छा होता है। और यहाँ गुड़धानी से अभिप्राय, गुड़धानी का मतलब है, गुड़धानी का अर्थ है अनाज। और गांव जो है, गांव की पूरी अर्थव्यवस्था, गांव पूरा कृषि पर आधारित होता है। गांव में कृषि पर ही आधारित इंसान अपना, कृषि पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वो वर्षा पर ही निर्भर है कृषि। यहाँ कहा जाता है कि अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होगी और जिससे लोगों का पेट भरेगा और चारों तरफ खुशहाली की खुशहाली छा जाएगी। नेक्स्ट, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इसलिए ये प्यासा रहने की बात मुखरित हुई है, या इसका एक और भी प्रश्न है, गगरी फूटी बैल प्यासा के लेखक क्या कहना चाहते हैं, या गगरी फूटी बैल प्यासा कथन के पीछे क्या वेदना छुपी हुई है? इस पंक्ति से बैल को प्रधानता दी गई है, बैल को इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि बैल भी
गांव के लोगों का ग्रामीण जीवन का एक अनोखा हिस्सा है और सारा कृषि का काम, जितना भी खेती बाड़ी का काम है उसी पर आधारित है। वही खेतों को जोतकर अन्न उपजाता है और अगर वो प्यासा रहेगा तो सारा कृषि कार्य रुकावट में पड़ जाएगा, बाधित होगा। प्यासा बैल तो काम नहीं कर सकता, जैसे हम प्यासे नहीं काम कर सकते ऐसे ही बैल भी अपना काम प्यासा रहकर नहीं कर सकता है। और कृषि ढंग से नहीं होगी तो आम आदमी भी सुखी नहीं हो सकता। इस कारण इंद्रसेना जो है उसके इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात की गई है। इंद्रसेना गाती है, काले मेघा पानी दे गगरी फूटी बैल प्यासा। ठीक है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय, क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इंद्रसेना वर्षा के ना होने पर क्या करती है? इंद्रसेना गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण यह है कि भारतीय जनमानस में हर मनुष्य के मन में क्या है, गंगा नदी को विशेष सम्मान प्राप्त है। हर शुभ काम में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है और गंगा मैया को माँ का दर्जा दिया जाता है। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बहुत महत्व है। देश के सारे प्रमुख नगर जो हैं, प्रमुख बड़े बड़े नगर, वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं और इन्हीं के किनारे हमारी सभ्यता का विकास हुआ है। धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र भी, आप जो भी धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र देख लो वो भी नदी के किनारे पर ही विकसित हुए हैं, हो रहे हैं। जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, जिन स्थानों पर आप अक्सर जाते ही रहते हो, काशी, बनारस, आगरा आदि शहर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। और हमारे धर्म के साथ भी नदियों का प्रत्यक्ष संबंध है, बहुत ही अच्छा संबंध है। नदियों के किनारे पर मेले लगते हैं और नदियों को हमेशा बेटा मोक्षदायिनी कहा जाता है, मोक्ष देने वाली होती हैं नदियां। नेक्स्ट, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वास के जंगल में सत्य की राह खोजना शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य को आप बताइए, औचित्य की समीक्षा कीजिए। देखिए, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बट जाती है, ये पंक्ति, ये कथन, ये कहावत, ये कथ्य बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है कि ऐसे में क्या होता है, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हुई हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि की शक्ति कुछ कमजोर होने लगती है। यहाँ पर जो जीजी है वो लेखक को बहुत प्यार करती है, वो अनेक धार्मिक अनुष्ठान जो है वो लेखक से करवाती है क्योंकि उसको अपना मानती है, जैसे आपकी मम्मा करवाती है। लेकिन लेखक इसको अंधविश्वास मानता है, जैसे बच्चे भी अंधविश्वास मानते हैं। इंद्रसेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी लेखक को ये तर्क देती है कि लेखक उन तर्कों को काट नहीं दे पाता, उन तर्कों के पीछे उसका भावनात्मक लगाव होता है, फीलिंग्स होती हैं और भावना में जीवन की अनेक सच्चाइयां छुपी हुई हैं। बुद्धि जो है हमारी वो शुष्क होती है, तर्क पर, आर्गुज पर आधारित होती है और भावना में लेकिन तर्क का, आर्गुज का कोई स्थान नहीं होता। भावना हमारी अंदर की फीलिंग है, इनर फीलिंग है, वहां पर क्या, विश्वास की प्रधानता होती है। भावना में सिर्फ विश्वास की प्रधानता होती है, विश्वास खत्म हो जाता है, विश्वास टूट जाता है तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं और ये एक बार समाज का ढांचा जो है वो जाता है। इसलिए किसी की भावनाओं को समझना चाहिए तभी हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो सकता है, जैसा कि हम इस पाठ में देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता थी?
लेखक मानता नहीं था कि मेंढक मंडली के ऊपर पानी फेंका जाए, इतनी तो गर्मी है, इतनी पानी की कमी है, तो पानी क्यों फेंका जाए। लेकिन जीजी के विचार बिल्कुल उसके विपरीत थे। जीजी कहती है कि अगर हम कोई चीज दान में नहीं देंगे तो वो हमें कैसे मिलेगी, जीजी का ये कहना था। अब हम देखते हैं कि दोनों के कहने में क्या अंतर है। यहाँ देखो, लेखक मेंढक मंडली पर पानी डालने के बिल्कुल खिलाफ था। वो क्या कहता था, वो कहता था कि हमारे पास तो इतनी पानी की कमी है, और पानी की कमी होते हुए भी हम जो संभाल कर सहेज कर पानी रखा हुआ है, हम क्या वेस्ट कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, तो ये हमारी कहां की बुद्धिमत्ता। और जीजी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, अगर हम जिस चीज की हमें चाहत है, जो चीज हमें भगवान जी से चाहते हैं, उसको हम दान के रूप में नहीं देंगे तो वो चीज हमें किस प्रकार से मिल पाएगी। इसलिए जो लेखक है वो विपरीत है और जीजी उसके समर्थन में अपने तर्क वितर्क देकर समझाती हैं। वो किसान के गेहूं बोने के, कि अगर वो 30-40 मन गेहूं चाहता है तो उसके लिए भी तो 3-4 शेर अच्छा गेहूं का बीज बोएगा, तभी तो उसको गेहूं मिलेगा। इस प्रकार के उदाहरण देकर जो लेखक है उसको शांत करती है। धर्मवीर भारती मेंढक मंडली पर पानी फेंकना व्यर्थ क्यों मानते हैं? अभी जैसे इस प्रश्न में बताया कि धर्मवीर भारती मेंढक मंडली पर पानी डालने को इसलिए व्यर्थ मानते हैं, वो ये मानते कि अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है कि, और अगर ये इंद्र देवता इंद्र मंडली हमारे से पानी मांग रही है तो ये तो इंद्र देवता की मंडली है, इंद्र देवता से अपने लिए पानी कुछ क्यों नहीं मांग लेती। उनका लेखक का कहना था कि ये पानी की घोर बर्बादी है, इतनी गर्मी में जब पानी पीने को नहीं मिल रहा, लोग दूर दराज से लाए हुए सहेज कर रखे हुए पानी को इनके ऊपर फेंक रहे हैं, तो इससे देश का नुकसान है। इससे क्या है, देश का नुकसान है, कि लोगों को समझ आनी चाहिए। यहाँ पर लेखक यही कहता है कि इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है, इसमें सिर्फ बर्बादी के अलावा और कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। काले मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र प्रस्तुत करता है। विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र जो है ये काले मेघा पानी देव पाठ इस प्रकार का हमें विजय का चित्र प्रस्तुत करता है। किस प्रकार, क्या आहान आप बता सकते हो? आहान, चलिए खैर, काले मेघा पानी दे जो संस्मरण है, इसमें हमें ये बताया गया कि वर्षा नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है, और इसके विषय में विज्ञान अपना तर्क देता है। क्या कहता है कि वर्षा ना होने जैसी समस्या के सही कारणों का ज्ञान कराते हुए हमें सच्चाई से सत्यता से परिचित कराता है, पर इस सत्य पर जो लोक प्रचलित विश्वास है, संसार में जो प्रसिद्ध विश्वास है और सहज प्रेम है, उसकी ही जीत हुई है। क्योंकि जो ये समस्या हमारे सामने आई है, इस समस्या का समाधान, इस समस्या का हल लोग अपने अपने ढंग से ढूंढने में लग जाते हैं, जिसका कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोगों में जो विश्वास है एक, वो विश्वास इतना पुष्ट है कि वो विज्ञान की बात मानने को तैयार नहीं होते, जैसा कि यहाँ पर जीजी और लेखक के बारे में हमने पढ़ा है।
वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्या है जिसका इनका यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर जो विश्वास है वो इतना इतना प्रबल है, इतना सबल है कि उसके आगे उनके सामने विज्ञान की बात किसी भी तरीके से नहीं चल सकती। जीजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। जीजी का व्यक्तित्व कैसा था, कैसा उनकी पर्सनैलिटी थी? वो स्नेहशील थी। जीजी क्या करती थी, लेखक को अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करती थी, अपने बेटे बहू से भी अधिक प्रेम करती थी। जितने भी अनुष्ठान होते थे, यज्ञ, कर्मकांड, धार्मिक कार्य, सब लेखक के हाथों से करवाती थी कि इसको भी आदत पड़े और ये सारा जो है बच्चे के अंदर इस प्रकार के संस्कार उत्पन्न हो और इस बच्चे को भी पुण्य मिले। और क्या थी, बहुत ही आस्था रखती थी, उसके अंदर आस्थावती वो नारी थी। हर परंपरा, हर विधियों का, अनुष्ठानों का, अनुष्ठानों के अंदर विश्वास रखती थी और श्रद्धा से हर काम को, हर अनुष्ठान को पूरा करती थी, हर धार्मिक कार्य में बहुत आस्था रखती थी। तर्कशील थी, जैसे लेखक नहीं मान रहा था पानी फेंकने के लिए इंद्रसेना पर, तो अपने तर्क देकर, अपने तर्क वितर्क देकर समझाती थी, बहुत से उदाहरण देकर समझाती थी कि उनके तर्कों के आगे जो आम आदमी है वो भी हार जाता था। इंद्रसेना के ऊपर पानी फेंकने के लिए जो के पक्ष में जो तर्क दे रही थी, लेखक भी उनके साथ रहकर खुद को कमजोर मानने लगा था। नेक्स्ट है, ग्रीष्म में कम पानी वाले दिनों में गांव गांव में डोलती मेंढक मंडी पर एक बाल्टी पानी उड़ेलना, जीजी के विचार से पानी का बीज बोना है कैसे, जीजी के विचार से किस प्रकार से, जीजी का मानना है कि गर्मी के दिनों में मेंढक मंडली पर अगर एक बाल्टी पानी की हम डाल देंगे तो पानी का हम बीज बो रहे हैं धरती के ऊपर। वो कहती है कि जब हम किसी को कुछ देंगे तभी तो हम कुछ लेने के काबिल होंगे, और इंद्र देवता को पानी नहीं देंगे तो वो हमें पानी कैसे देंगे। ऋषियों मुनियों ने भी त्याग और दान की महिमा बताई है। पानी का बीज बोने से काले मेघों की फसल होगी, जिससे हर व्यक्ति को पानी मिलेगा, गांव भी सूखे नहीं रहेंगे, पशु पक्षी भी नहीं मरेंगे और इंसान के अंदर भी, खेतों खलिहानों में भी खूब खुशहाली छा जाएगी। दिन दिन गहराते संकट से निपटने के लिए आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी देखी, इंद्रसेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है, अपने विचार दीजिए। क्या जो ये युवा वर्ग है, युवा वर्ग रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा, इंद्रसेना जो है वो युवा वर्ग है, वो सबको रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देता है। इंद्रसेना जो है समूह में रहकर प्रयास करके इंद्र देवता को खुश करके वर्षा करने की कोशिश करवाने की कोशिश करती है इंद्रसेना। और यदि हमारा युवा वर्ग अगर चाहे तो क्या कर सकता है, समाज की बुराइयों को दूर कर सकता है, कमियों के खिलाफ आवाज उठा सकता है। क्यों, युवा वर्ग सामूहिक रूप से देश के लिए प्रयास करता है, वो इकट्ठे होकर देश के लिए प्रयास करते हैं तो उसका बहुत ही जल्दी लोगों पर प्रभाव पड़ता है। और युवा वर्ग ही ऐसा है कि जो शोषण को समाप्त कर सकता है, अगर वो शोषण को समाप्त करेगा तो खुद भी शोषण में शामिल नहीं होगा। दहेज का विरोध कर सकता है, दहेज का विरोध करेगा युवा वर्ग तो खुद दहेज क्यों लेगा, इस प्रकार से ये प्रथा खत्म हो जाएगी। आरक्षण का विरोध करेगा, नशाखोरी का विरोध करेगा और इन सब चीजों के अगर खिलाफ युवा वर्ग आवाज उठाएगा तो अवश्य ही युवा वर्ग देश में खुशहाली ला सकता है। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की दशा का क्या हाल था। गांव में लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राही त्राही कर रहे थे, बचाओ बचाओ त्राही माम कर रहे थे। और जेठ आषाढ़ के महीने में जो गर्मी इतनी फैल चुकी थी, गर्मी के कारण धरती भी जो थी वो इतनी गर्म हो गई थी, उसकी भी मिट्टी सूख कर पपड़ी बन गई थी, पपड़ी बनकर अब खेतों में दरारें सी पड़ गई थी, झुलसा देने वाली लू चल रही थी, इससे जानवर भी मरने लगे थे और कई बार तो मनुष्य भी चलते चलते गिर पड़ते थे। और पर प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं था, इसमें पूजा पाठ में लोग लगे हुए थे, लेकिन इंद्र से वर्षा
कि पुकार करने के लिए, गुहार करने के लिए इंद्र सेना भी पानी के लिए गुहार करती हुई निकल पड़ी थी। और इसी प्रकार बेटा हम अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि अगर युवा वर्ग मिलकर किसी भी समस्या का समाधान करना चाहे तो युवा वर्ग जरूर कर सकता है, ऐसी हमें आशा है।